पानीपत में शनिवार को राज्य स्तरीय तीज उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में 101 झूले लगाए गए। प्रदेश के सभी जिलों से महिलाओं को लाने के लिए यहां पर बसों का इंतजाम भी किया गया है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र में नाम कमाने वाली 120 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। प्रदर्शनी में 5,000 साल पुरानी डांस करती हरियाणवी लड़की की वेशभूषा में भी दिखाया जाएगा। के बाद एक और बड़ा आयोजन हो रहा है। ये पानीपत का सेक्टर 13-17 का गुरु तेग बहादुर ग्राउंड है। दरअसल इसी ग्राउंड में पिछले साल 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी को, सिखों के 9वें गुरु थे, उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया था, जिसमें पूरे देश से लोग आए थे। और 15 अगस्त की आजादी के जश्न के बाद अब 19 अगस्त को हरियाणा का तीज उत्सव मनाया जा रहा है और हरियाणा गवर्नमेंट इसका आयोजन कर रही है। पानीपत का सेक्टर 13-17 का विशाल ग्राउंड है। आप देखिए ये पंडाल लगा हुआ है। इस पंडाल में हजारों महिलाओं को आमंत्रित किया गया कि वो हरियाणा की संस्कृति के प्रतीक, हरियाणा की सभ्यता संस्कृति के प्रतीक तीज पर्व को किस तरीके से मनाए। बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। विशाल पंडाल लगाया गया है। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि इस मौके पर होंगे। पूरे हरियाणा से महिलाओं को हर जिले से यहां लाने के लिए बसों की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन सरकार की ओर से हो रहा है। 101 यहां झूले लगाए जाएंगे, क्योंकि सावन के महीने की जो तीज होती है, तीज झूले के बिना पूरी नहीं होती। तो जैसे ग्रामीण इलाकों में झूले झूलती है महिलाएं, गीत गाती है, 101 ऐसी महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस में, पढ़ाई में, महिला सुरक्षा में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपना नाम कमाया, ऐसी 101 महिलाओं, जैसा ताजा जानकारी कि शायद 120 महिलाएं भी हो सकती हैं, जिनको मुख्यमंत्री अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। ये वो जोन है जहां महिलाओं के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की सोच, उनके सशक्तिकरण को लेके और जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उनको प्रदर्शित करने ये स्टॉल है। ये हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर मैडम है। मैम आपका भी स्टॉल लग रहा है, महिलाओं के लिए क्या खास होगा, जो आप जो चीजें आप दिखाएंगे इनको प्रेरित करें? हम लोग ये वाला दिखाना चाहते हैं कि जो अभी तीज का अवसर पर स्त्रियों जैसे बहुत सारे आराम, मतलब जो वेशभूषा इसका जो दिखाई देते हैं, वो उसका ट्रेडिशन हम लोगों का हरियाणा में बहुत पहले से मिला है। तो एक डांसिंग गर्ल का हम लोग दिखाएंगे, मतलब आज से 5,000 साल पुरानी है, मतलब कृष्ण ईशापुर 5,000 साल पुरानी, तो वो ग्राफिटी में जैसे उन लोगों को वेशभूषा दिखाए और उसका ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, उसी का ही हेरिटेज का जो है वो हम लोग प्रदर्शित करेंगे। हर जिले से महिलाएं आएंगी, क्योंकि संस्कृति हरियाणा की और हरियाणा की सभ्यता को, हरियाणा के रहन सहन को और पहनावे को ये कार्यक्रम दर्शाता है, उसी को आगे बढ़ाने वाली जो महिलाएं हमारे साथ खड़ी है। आप करते आए हो बताओ, आप गाँव फरमाना से आए जी? हम के करो, आपका क्या काम है यहाँ? हमारा आज के 10 तारीख है। अच्छा, हम इंडी बना के ले रहे हैं। ये दूसरी बहन आप बोलो क्या? हाँ, मैं कागजों से बोइए बना के ले रही हूँ। हाँ, मैं गांव फरमाना जिला सोनपत से आई हूँ। लोगों को मैं ये दिखाऊंगी कि जो कागजों की फूल जड़ी जो हमारी दादी बनाया करती वो बना लेके रखी। हाँ, मैं ये नया अपने हाथ की दस्तकारी बनाने की कागजों की। लिहाजा हरियाणा के, दिल्ली के या हरियाणा से लगते आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक मौका है। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, पहनावे को, खान पान को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है तीज उत्सव, जो 19 अगस्त को पानीपत के सेक्टर 13-17 में, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां रहेंगी। तो महिलाओं को समर्पित और महिलाओं को सुशोभित करने वाला ये कार्यक्रम होगा। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सेक्टर 13-17 पानीपत।